तो आपको समझ में आए। इसीलिए साथियों, गोंडवाना काल में, गोंडवाना के शासन में और गोंडवाना के साम्राज्य में जब हम बात को सुनते हैं, करते हैं, तो हमको ये बताया जाता है कि गोंडवाना के काल में सब लोग सुखी और संपन्न थे। गोंडवाना के समय में कोई दुखी नहीं था। गोंडवाना के काल में कोई भिखारी नहीं था। गोंडवाना के समय में कोई गरीब नहीं था। गोंडवाना के काल में कोई भेदभाव नहीं था। अप्रस्पष्ट नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, गैर बराबरी नहीं थी, असमानता नहीं थी। सभी लोग सुखी, साधन और संपन्न से जिंदगी जीने का काम करते थे। लेकिन साथियों, हमारे लोगों ने आज भी, आज जो कहानी मैंने पिछले बताया है आपको, कि हमारे लोगों ने इस बात को अभी भी नहीं समझा कि हमको जाना कहाँ चाहिए। हमारे लोग जाते वहां है जहां पर उनको क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो आपको तय करना है, आपको सोचना है, ये आपका समाज है, ये आपका जमीन है, आपका ये जंगल है, आपका मान हो सम्मान हो, आपके स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़ करे, कोई आपके ऊपर हाथ उठाए, कोई आपके ऊपर बुरी नजर से देखे, कोई आपके साथ अन्याय करने का प्रयास करे, तो साथियों आपको ये समझना चाहिए, आपको अपना विचार करना चाहिए, आपको अपने रास्ते अपनाने चाहिए, जिस रास्ते से आप लोग सुखी और संपन्न जिंदगी को जीते थे। कैसे जीते थे, कैसे संपन्न रहते थे, कैसे हमारा समाज गरीब नहीं था, क्या वो समय ये नहीं था। इस बात को जब आप समझेंगे साथियों, तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, उस दौर को जब हम देखते हैं तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारा समाज कभी भी भागों में बटा हुआ नहीं था। हमारा समाज पूर्व में कभी भी, प्राचीन काल से लेके आज के 50 साल पहले तक, भारत की स्वतंत्रता के पहले तक, अंग्रेजों के काल तक, ये समाज कभी विभाजित नहीं हुआ करता था। आज हमारा समाज कई रास्तों पे जा रहा है। आज हमारा समाज कई धर्मों पे बटा हुआ है। आज हमारा समाज कई रास्तों पे चल रहा है। आज हमारे समाज के पास में व्यवस्थाएं नहीं बची हुई है। और इसीलिए आज जो समाज जो कमजोर हो रहा, आज मुझे बताइए, 1000 साल पहले ये जो धरती थी, वो धरती में कोई अलग से कोई विशेष प्रकार की बनावट नहीं थी। यही एक धरती थी। 1000 साल 10000 साल पहले भी यही जमीन थी, यही पेड़ थे, यही पानी था, यही हवा था, और आज भी है और कल भी। ये जमीन की तासीर और ये जमीन के रहने वाले लोग भी वैसे ही रहेंगे। साथियों, जब ये पृथ्वी आई, बनी, तैयार हुई, उस समय भी इंसान की प्रक्रिया पैदा होने की जैसी आज है, वैसे ही उस समय था। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से, आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या बदला हुआ इस धरती के ऊपर, ऐसा कौन सा समय आ गया हमारे साथ, और ये क्या हो गया, ये जो समाज राजा था ये रंग हो गया, ये जो समाज राजा था वो रंग हो गया। क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया, क्या आप कभी सोचते हैं, ये जो समाज मालामाल था, ये जो समाज धनवान था, ये समाज एकजुट रहने वाला समाज था, सबके साथ मिलजुल के भाईचारा के साथ जीने वाला समाज था, आज वो समाज दर्दर की ठोकरें खा रहा है। सोचते हैं इस बारे में, विचारते हैं इस बारे में, नहीं विचारते। आपको क्या लगता है कि सरकार आपके बारे में विचार करेगी, आपको क्या लगता है कि दूसरे धर्म के लोग आपके बारे में विचार करेंगे, क्या आपको ये लगता है कि दूसरे जात के समाज के लोग आपके बारे में विचार करेंगे। और यदि आपको ये लग रहा है तो मैं मानता हूं, और ये कार्यक्रम, ये आंदोलन कभी भी सफल होने वाला नहीं है। ये समाज आपका है, ये जो मेरे सामने बैठे नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य है, इनके बारे में सोचने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको चर्चा करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये समाज सुरक्षित और व्यवस्थित हो पाएगा। साथ आज तक मैं जब अक्सर इस बात को बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, अभी पिछले दिन आए थे, 2-3 महीने पहले सोनारी में कार्यक्रम था, वहां भी इस बात को मैंने कहा था, हम जिस समाज